अभी मैं कल्पतरु रेडियंस का फर्निश्ड फ्लैट दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि किस टाइप का ये फ्लैट रेडी होने के बाद कितना स्पेस वगैरह बेड वगैरह डालने के बाद आपको मिल सकता है। तो फर्स्ट जब हम एंटर किए तो ये इसका आपका लिविंग एरिया है और ये इसका डाइनिंग एरिया है। और इसका जो फेसिंग है वो एमिनिटीज़ फेसिंग है। अभी अभी तो इसका जस्ट 2-3 डेज ही पीछे ही पहले ही इसका ओसी आया है। इसकी बालकनी है जो हॉल में बालकनी दिया हुआ है सारे फ्लैट्स में, और बालकनी भी छोटा मोटा नहीं, करीबन देखें 5 से 6 फुट की विड्थ है बालकनी की। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये क्लब हाउस है, और आगे दूसरा इसका क्लब हाउस, दो तो क्लब हाउस है, बीच में 2-3 टाइप का इसका स्विमिंग पूल है, साथ ही साथ बच्चों को खेलने का पूरा प्रोविज़न किया हुआ है। अभी किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया पूरा अभी आएगा, क्योंकि ये 2-3 सालों से लॉकडाउन के दौरान बंद हुआ था ये काम, और अभी तक बंद ही था। अभी कंप्लीट इसका ओसी आ चुका है, 2 से 3 महीने में डेवलपर पूरे फिनिश करके इसका पोजीशन देने वाले हैं। ये एमिनिटीज़ फेसिंग है जो मैं आपको, एक फ्लैट तो मैं आपको दिखाया हायर फ्लोर से, और ये आपको लोअर फ्लोर से एमिनिटीज़ फ्लोर दिखा रहा हूँ, एमिनिटीज़ फेसिंग दिखा रहा हूँ। ये इसका डाइनिंग, डाइनिंग का आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्पेस दिया हुआ है, और यही किचन से अटैच्ड है। ये आप देख सकते हैं फुल्ली फर्निश्ड, मैंने आपको रॉ फ्लैट भी दिखाया है किस टाइप का आएगा, कैसा आएगा वो आप समझ सकते हैं, और ये फर्निश करके दिखाया हुआ है कि आप फर्नीचर डालने के बाद आपका फ्लैट का कैसा, कितना स्पेस बचता है, क्या और आएगा। ये बाहर का तो मैंने छज्जा आपको दिखाया ही है, और ये किचन से अटैच एक सर्वेंट के लिए जगह दिया हुआ है, स्टाफ के लिए जो आपका देख रेख करते हैं, सर्वेंट या ड्राइवर के लिए जगह दिया हुआ है जहाँ पे वो रह सकते हैं। इनके लिए एक सेपरेट वॉशरूम भी है, सर्वेंट के लिए वो सेपरेट वॉशरूम भी दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल जो फैमिली और गेस्ट जो यूज़ करते हैं वो सर्वेंट इनके यूज़ ना करें। ये इसके बाद मैं अंदर का तीनों बेडरूम दिखाता हूँ कि किस टाइप में डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। तो फर्स्ट जो इनका ये बेडरूम है, ये इन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, आप इसमें बेड भी डाल सकते हैं या म्यूजिक रूम बना सकते हैं या स्टडी रूम बना सकते हैं, ये इन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। आपके पास हिल व्यू, सी व्यू और एमिनिटीज व्यू भी फ्लैट मिलता है इसमें, आपका जैसा चॉइस हो वैसा आप ले सकते हैं। ये तो स्टडी रूम के हिसाब से इन्होंने कबर्ड और स्टडी टेबल बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्टडी टेबल है। डिपेंड आपका चॉइस, जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। ये इसका कॉमन बेडरूम है जो मैंने दिखाया। इसके बाद इसका कॉमन वॉशरूम है, ये भी पूरा अभी मैं 2 बेडरूम और दिखाता हूँ जो दोनों मास्टर बेडरूम है, वो क्या साइज है, एक 7x7 का बेड रखने के बाद भी आपको क्या स्पेस मिलता है वो आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए हर एक डेवलपर एक डेमो फ्लैट, सैम्पल फ्लैट बनाते हैं ताकि समझ पाएँ। कि ये इसका मास्टर बेडरूम है जो 3 BHK में, एक कॉमन बेडरूम और 2 मास्टर बेडरूम में जनरली कंसेप्ट है वही है, बट कारपेट इसका बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है, इतना कारपेट जनरली बिल्डर्स बनाते नहीं हैं। ये इसका पहला मास्टर बेडरूम, और इसके बगल में मैं आपको दूसरा मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका दूसरा मास्टर बेडरूम है, और सब में एक ब्यूटीफुल बात यह है कि सब में छज्जा दिया हुआ है। ये
ये आप देख सकते हैं 7x7 का बेड रखने के बाद भी कितना बड़ा जगह आपको जनरली यूज़ के लिए मिलता है। तो ये वार्डरोब और इस तरफ बेड, इसके बीच में आपको ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम इतना बड़ा है कि यहाँ पे आप एक बाथ टब का प्रोविज़न भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने फर्निश्ड आपको दिखाया है ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि फर्नीचर करने के बाद आपको फ्लैट किस टाइप का दिखने वाला है, क्योंकि उसके बावजूद भी खाली खुला खुला आपको फ्लैट का स्पेस मिलता है इतना बड़ा कारपेट एरिया में। अभी मैं कुछ एमिनिटीज़ का तो मैंने आपको दिखाया है, पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, बाहर से एलिवेशन दिखाता हूँ किस टाइप का है इसका। वैसे तो मॉडल देख के आप समझ ही गए होंगे।